स्पेक्टेक्युलर हिंदी पाकी आपकी पहली फीचर फिल्म है और प्रियंका ने आपकी फिल्म प्रोड्यूस की है, तो कैसे हुआ था ये कि प्रियंका के पास आप आई और मिली और आपकी फिल्म प्रोड्यूस हो गई? प्रियंका से जाने प्रियंका को मिलने से फिर से बोलूँ सो प्रियंका को मिलने से पहले मैं कई प्रोड्यूसर्स को मिली थी और सब ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था तीन रीजंस के लिए। एक, मैं फर्स्ट टाइम वुमन डायरेक्टर हूँ। दूसरा, मैं चिल्ड्रंस फिल्म बनाना चाहती थी जिसकी कोई मार्केट नहीं है। और तीसरा, मैं सिक्किमीज फिल्म नेपाली में बनाना चाहती थी जहाँ पर सिर्फ दो थिएटर है और मार्केट नहीं है। एंड जब मैं प्रियंका के ऑफिस आई, उनकी CEO से मिली, तो मैंने उनको ये अपने तीनों प्रॉब्लम्स बता दी। मैंने कहा, देखिए आप पहले ही सुन लीजिए कि ये तीन प्रॉब्लम हैं। तो वो मैसेज वापस लेके गई और आंसर आया, इन्हीं तीन रीजंस की वजह से मैं ये फिल्म बनाऊंगी। इट सीम्स कि प्रियंका का भी वही विजन था, उनका तीन मैंडेट है, फीमेल डायरेक्टर, रीजनल फिल्म एंड नॉर्थ ईस्ट प्रियंका लव्स। सो जितना मेरा पैशन है नॉर्थ ईस्ट के लिए, उतना ही प्रियंका का भी था। सो इट जस्ट फिट इन टुगेदर। मैं उनको November 31st को मिली और फरवरी में भी वो शूटिंग। एक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के लिए एक सपने जैसा होता है कि प्रियंका चोपड़ा जैसे आइकॉन प्रोड्यूस करिए। कांस में आपका फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ और अभी टोरंटो में आपका प्रीमियर होने जा रहा है। सो हाउ डज इट फील कि ऐसी इतनी सारी चीज़ें बिना मांगे मिल रही है? देखिए, स्टार प्रोड्यूसर मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। सो पहले ही आई वॉज सो ग्रेटफुल कि आई गॉट समबडी लाइक प्रियंका। पर प्रियंका इज नॉट जस्ट अ स्टार प्रोड्यूसर, शी इज अ फैंटेस्टिक प्रोड्यूसर। एंड एड मधु मैम टू इट, दे आर लाइक डायनेमिक ड्यूओ। प्रियंका इज वेरी हैंड्स ऑन बट शी इज नॉट इंटरफेयरिंग। एंड मधु मैम, वॉट एवर द प्रॉब्लम इज, यू कैन वॉक इन टू हर कैबिन एंड से, मैम ये प्रॉब्लम आ रही है, एंड शी विल हेल्प यू सॉल्व इट। सो फॉर मी इट्स नॉट ओनली अ स्टार प्रोड्यूसर दैट आई गॉट, आई रियली गॉट गुड डायरेक्टर्स। एंड जब मैं प्रियंका को पहली बार मिली थी, उसने कहा कि तुम्हारी स्क्रिप्ट मुझे बहुत पसंद है, अब तुम एक अच्छी सी फिल्म बनाओ, मैं वर्ल्ड स्टेज पे लेके जाऊंगी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टिफ, वी ओपन्ड इन कांस, यू नो द फर्स्ट लुक, व्हाट हैज गॉट अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर वांट, यू नो, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ देम। सर आप बताइए, जनरली ऐसा होता नहीं है कि एक गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आकर वो प्रोड्यूस करने के लिए आगे आते हैं एक फिल्म स्टार के साथ, कैसे हुआ ये? प्रियंका की आपने फिल्म देखी, पाकी ने लिखा हुआ स्क्रिप्ट आपने पढ़ा, फिर सोचा कि नहीं ये फिल्म तो को प्रोड्यूस करनी चाहिए गवर्नमेंट ने, ऐसे लगा? चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया 1955 से बच्चों के लिए फिल्में बना रही हैं और मैं ज्वाइन किया 2012 में एज CEO ऑफ चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी। मेरा ये बहुत प्रयास रहा कि कहीं ना कहीं मैं बच्चों की फिल्मों को मेन स्ट्रीम प्रोड्यूसर्स के लिए भी फेवरेट बना दो, जैसा कि CFSI के लिए है। CFSI एक संस्था है जो कि एक अकेला लड़ाई लड़ रहा है चिल्ड्रंस फिल्म मूवमेंट को देश और दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन ये लड़ाई या ये मुहिम तभी कामयाब होगी जब इसमें बाकी मेन स्ट्रीम प्रोड्यूसर्स भी शामिल हो जाएं। और मुझे लगा कि इस फिल्म के माध्यम से ये हम अचीव कर पाएंगे, क्योंकि प्रियंका ने बहुत ही नोबल इंटेंशन के साथ एक ऐसी कंपनी बनाई जिसके लिए कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण है। और बच्चों के लिए जो फिल्में बनती हैं उसमें हमारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ कंटेंट ही होता है, क्योंकि हमारे किरदार तो बच्चे होते हैं, कहानियाँ हमारी हर रीजन से होती हैं और नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए बहुत ही प्रिय रीजन है, क्योंकि वहाँ की कहानियाँ अभी भी अछूती हैं, वर्जिन है। वहाँ की कहानियों में वो इनोसेंस और वो बचपना ज़्यादा झलक पाता है अन्य जगहों की कहानियों के वनस्पत, क्योंकि अन्य जगहों की कहानियाँ बहुत सारी कही जा चुकी हैं, बहुत सारी देखी जा चुकी हैं, बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं। नॉर्थ ईस्ट की कहानियों की फिल्में बहुत कम बनी हैं और उनमें से भी बहुत कम हैं जो कि पर्दे पे दिखाई जा चुकी हैं थिएटर्स में। तो इन सब कारणों से मुझे
पाहुना सबसे उपयुक्त फिल्म लगी जिसके माध्यम से हम इस चिल्ड्रंस फिल्म मूवमेंट को सक्सेसफुल बना सकते हैं, न सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरे विश्व में। मैं जब भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में जाता हूँ एज अ फेस्टिवल डायरेक्टर ऑफ गोल्डन एलिफेंट फिल्म फेस्टिवल विच इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल, मेरी बहुत कशिश रहती है कि हमारे यहाँ की कहानियाँ, हमारे यहाँ की फिल्म इन महोत्सवों में वैसा महत्वपूर्ण स्थान नहीं पा पाती हैं जैसा कि मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे कहानियों में बहुत दम है, ओरिजिनलिटी है, और बाहर विश्व में ओरिजिनल कहानी की बहुत मांग है। लेकिन ये मांग तभी पूरी हो सकती है जब हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर्स ऐसी कहानियों में विश्वास करके फिल्में बनाए। तो जब ये संभव दिख रहा था इस फिल्म के माध्यम से, बाकी के इस खूबसूरत कहानी लिखने की कला के माध्यम से और उसको फिर निर्देशित करने के माध्यम से, तो मैंने सोचा कि इस अपॉर्चुनिटी को जल्द से पकड़ा जाए। और जब मधु चोपड़ा जी हमें अप्रोच की कि पोपल पेबल पिक्चर्स ये फिल्म बना रही है, तो मैंने सोचा कि CFSI का पहला को प्रोडक्शन यही फिल्म होना चाहिए, और इस फर्स्ट को प्रोडक्शन के माध्यम से हम लोग पूरे विश्व में एक इंडियन स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न फिल्म को एक प्रतीक बना दें, अच्छी कहानी का, अच्छी फिल्म का, और बच्चों को सचमुच में बचपना देने के मुहिम का। टोरंटो जिला में ये अभी फिल्म प्रीमियर वहाँ हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? टोरंटो फिल्म फेस्टिवल का मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। मेरी पहली कोशिश एनिमेशन फिल्म में हुई थी जो कि इंडिया के एनिमेशन को दर्शाए और पूरे विश्व में मौजूद हो, और वो मैंने संभव कर किया था इसी टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से। वो फिल्म थी गोपी गायन बागा बायन के ऊपर आधारित एक फिल्म, गोपी गवैया बागा बजैया। आज पाहुना के माध्यम से मैं लाइव एक्शन में भी वही एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस फिल्म का, इस फिल्म मार्केट का और इस पूरे सानिध्य का, हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, इसका एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सफल भविष्य दिख रहा है टिफ के प्रीमियर के बाद। थैंक यू सर।